वाइटिंग एंटरटेनमेंट की श्रृंखला दीप महोत्सव की दूसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे दूसरे दिन के त्योहार छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी के बारे में। 5 दिनों तक चलने वाले दीप महोत्सव का दूसरा दिन यानी धनतेरस का अगला दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसे रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार नरक चौदस या नरक चतुर्दशी या फिर नरका पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं नरक से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत मनाया गया है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने की परंपरा है। शाम को यमराज को दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी की रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। नरकासुर एक अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में डाल रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराकर सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई जाती है। श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त होने के बाद उन 16,000 स्त्रियों ने कहा था कि असुर के यहाँ बंदी रहने के कारण अब हमारा परिवार हमें नहीं अपनाएगा और ये समाज भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अच्छा है कि हम सभी अपनी जान दे दें। इस पर श्री कृष्ण ने पति रूप में अपना नाम देकर उन सभी स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा करते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान किया था। श्री कृष्ण की वास्तविक पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती ही थी। कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके एक मंत्र पढ़ना चाहिए। वासुदेवम सुतम देवम नरकासुर मर्दनम देवकी नंद परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। माना जाता है कि इस प्रकार पूजा करने वाला नरक से मुक्ति पा जाता है। इसी दिन हनुमान जी का जन्म भी माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने हनुमान रूप में जन्म लिया था, इसलिए इस दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है। इस दिन के संदर्भ में एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं रंतिदेव नाम के एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूतों को सामने देख राजा अचंभित हुए और उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्या मुझे नरक जाना होगा? आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना होगा। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, राजन एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया था, ये उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूतों से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 वर्ष का समय दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें सब कुछ बताया, फिर पूछा, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? ऋषि बोले, राजन आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत रखा जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन कर मनुष्य अपना रूप स्थायी बनाकर रख सकता है। रूप चतुर्दशी से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी रहा करते थे। एक बार योगी राज ने प्रभु को पाने की इच्छा से समाधि धारण करने का प्रयास किया। अपनी इस तपस्या के दौरान उन्हें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। ये शारीरिक कष्ट उन्हें विकृत करते गए। तभी विचरण करते हुए नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने योगीराज को दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताया कि वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से योगीराज का शरीर पहले के समान स्वस्थ और सुंदर हो गया। तभी से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही चतुर्मुखी दीप का दान करने से नरक भय से मुक्ति मिलती है, ये कहा जाता है।
वाइटिंग एंटरटेनमेंट की दीप महोत्सव श्रृंखला की इस कड़ी में आज हमने दूसरे दिन के त्योहार नरक चतुर्दशी के बारे में बात की। अगली कड़ी में तीसरे दिन के मुख्य पर्व दीपावली के महत्व और इससे संबंधित मान्यताओं के बारे में बात की जाएगी। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट्स भी दें। धन्यवाद। ज्योति पर्व दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।